अब तक आपने देखा गुरुजी शंकर और मंजरी से कहते हैं कि विन पर मृत्यु तुल्य योग है और अगर उसकी शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से ना हुई तो उसका मरना निश्चित है। राजबीर के भेजे हुए गुंडे विन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। वही रिद्धि जो कि अखंड सौभाग्यवती है वो विन से शादी करती है और उसे मौत के मुँह से वापस ले आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि विन पर किसी भी तरह का तनाव नहीं आना चाहिए। रिद्धि मंजरी से कहती है कि विन पर हुए हमले में जरूर किसी घर के सदस्य का हाथ है। वहाँ विन को सविता का फोन आता है और वो उसे घर आने के लिए कहती है। रिद्धि मेडिकल चेकअप का बहाना करके विन को कुंद्रा मैंशन के बाहर ले जाती है। पुरंदरे चौल पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि अनिकेत के दोनों हाथों में जान आनी शुरू हो चुकी है। अब आगे अरे रिद्धि बेटा आओ अंदर आओ। तू कब आई बेटे? आजा आजा। ये तो कमाल हो गया अंकल जी। आपके दोनों हाथों में जान आ गई। हाँ बेटे, एक सरप्राइज मैंने दिया और एक सरप्राइज तूने दिया अचानक आके। पर आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा वो ऐसा हुआ कि जैसे ही कुछ घंटों पहले हमें पता चला ना, सबसे पहले हमने प्रतीक को फोन किया। हाँ बेटे, ये कुछ इस बच्चे की मेहनत है और कुछ तेरा हमारी जिंदगी में आने का सबब है कि मेरे दोनों हाथ ठीक हो गए। आप नहीं जानते बाबा, आपने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। शादी के दूसरे ही दिन मैं अपने मायके में अपने पति के साथ आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। खुश रहो बेटे, दोनों खुश रहो। अरे सब प्रतीक जी, क्या आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। प्रतीक बेटा, ये पट्टी तुम्हें चोट कब लगी, कैसे लगी, सब ठीक तो है ना? वो स्टंट करते हुए लग गया था मेरे को। ओहो, ये वीनू भी ना, अब स्टंट बोलने की क्या जरूरत है? कोई और बहाना नहीं बना सकता था? क्या कहा तुमने, स्टंट? लेकिन क्या तुम फिल्म लाइन में हो? फिल्म लाइन में? नहीं नहीं, मैं फिल्म लाइन में कहाँ से। बेटा तुम तो डॉक्टर देशपांडे के यहाँ असिस्टेंट हो ना, तो फिर ये स्टंट? हाँ। अरे अंकल जी, आंटी जी, अब ये जरूरी थोड़ी है कि स्टंट सिर्फ फिल्म का हीरो ही कर सकता है। अब इनसे हो गया होगा कोई रियल लाइफ स्टंट, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को बचाने वाला स्टंट। क्यों प्रतीक जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ सही कह रही है बिल्कुल। वो किसी ना पेशेंट की मदद कर रहा था, उसके ऊपर कबर्ड गिर रहा था, तो उसको बचाने लगा तो वो कबर्ड मेरे ऊपर गिर गया, इसलिए मुझे चोट लग गई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। पर बेटा अपना ध्यान रखना चाहिए ना। आंटी जी आप बताइए, आप कैसी है? और अद्वैत का है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसा है वो? सब ठीक है बेटा, पापा की कृपा है। पर आज तुम साड़ी पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही हो, कुछ खास है क्या आज? हाँ आज का दिन खास तो है ही। अंकल जी के दूसरे हाथ में जान जो आ गई है, उनके दोनों हाथ ठीक हो गए, तो इससे ज्यादा खास दिन कोई और हो सकता है भला? और इस बात का आभास मुझे पहले से ही हो गया था, इसलिए देखिए कैसे तैयार होके आई हूँ मैं। तो मैडम को पूरा आभास भी होता है? मुझे तो लगता है ना तेरा कुछ खास ही नाता है इनके साथ। उस दिन भी जब इनके पैरों में पहली बार जान आई थी तब भी तुम यही थी हमारे साथ। आई बाबा, मैं तो आप दोनों की ही सिद्धि हूँ, मेरा तो आप दोनों से ही खास नाता है। सविता, अरे आज तुम क्या इन दोनों बच्चों को भूखा ही रखने वाली हो? हाँ अरे मैं तो भूल ही गई, आज तो मैंने प्रतीक के लिए उसकी पसंद का खास खाना बनाया है। सिर्फ प्रतीक के लिए? अरे तुम्हारे लिए भी। क्या बात है मिस सिन्हा,
आपकी तो आज ऐसी हो गई, अब मेरे कारण आपको सविता मौसी के हाथों का खाना खाने को जो मिल रहा है, क्या बात है, इसे कहते हैं नसीब। बस मैं 5 मिनट में खाना लगाती हूँ। हाँ आंटी जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कुछ मदद कर दूंगा। हाँ अंकल जी, आपके दोनों हाथों में जान आ गई, इसमें सिर्फ पापा की कृपा है, उन्हें धन्यवाद कर देती। पापा तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरे आशीर्वाद से मेरे पापा की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, और अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुझे इस पानी से बाहर निकाल दूंगी। और तो और, शादी के दूसरे दिन तूने मुझे अपने पति के साथ अपने मायके पहुंचा दिया, बाबा के हाथ से आशीर्वाद दिलवा दिया, और अब आई के हाथों का खाना भी खाने का मौका दे रहा है तू। तूने मेरी पग फेरे की रस्म पूरी कर दी पापा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है पापा, बस मेरी एक और इच्छा पूरी कर दे, मुझे ये बता दे कि वो कौन है जो मेरे वीनू की जान के पीछे पड़ा है। भाभी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। भाभी, क्या हुआ देवर जी? भाभी ये देखिए, वैभवी और कांता तो गायब हो गई, अब कैसे भी करके इसे लक्ष्मी को रफा दफा करना है। मुझे इन बेवकूफों के साथ अपना समय और टैलेंट दोनों ही बर्बाद नहीं करना, जो करूंगी मैं खुद करूंगी। देवर जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं चाचा जी को हमारे चालों के बारे में पता चल गया तो, कहीं उन्हें पता चल गया कि हम ही ने मिलकर विन को अगवा करवाया था तो, वो हमारा तो राम नाम सत्य है। लेकिन दीदी, हमने जो भी किया साथ मिलकर किया, तो अभी आप अपना कदम क्यों पीछे ले रही हैं? हाँ लेकिन अब मैं डर गई हूँ, मुझे लगता है कि हमारे चुप रहने में ही हमारी भलाई है, और फिर मुझे अपने देवर जी पे पूरा भरोसा है, आप जो भी करोगे सही करोगे। वो तो है, और वैसे भी मेरा वार हमेशा सही निशाने पे ही लगता है। बेवकूफ नंबर वन। ठीक है फिर, अब लक्ष्मी का क्या करना है तुम ही सोचो। जानो मैं हूं ना, सब सेट कर दूंगा। चलो अब इन दोनों बुद्धुओं से जान छूटी मेरी, मेरा बस चले तो मैं इनकी शक्ल तक ना देखूं। भाभी चलो। तुम्हें जो समझाया याद है ना? जी मैडम बिल्कुल याद है। तो ठीक है फिर, लग जाओ काम पर। अरे चाबी लेना तो मैं भूल ही गई। कौन है? क्या? जैसा बोला है मैंने वैसे ही किया है, मैंने लक्ष्मी को बेहोश कर दिया है, अब मैं उसे आपके बताए हुए पते पर ले जा रहा हूँ। शंकर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो कमिश्नर साहब का फोन आया था, वो आ रहा है। बात क्या है शंकर? पता नहीं मंजरी, वो लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। लक्ष्मी मिल गई क्या? लेकिन वो तो हेलो
क्या हुआ, सब ठीक है ना? रिद्धि, बड़ा क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कोई कुछ बोलेगा, हुआ क्या है? वो डॉक्टर ने मिस ना बता क्यों नहीं देती, डॉक्टर ने क्या कहा है? चलिए मैं बता देता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सब रिपोर्ट्स क्लियर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो सिर में चोट लगी है ना, उसके कारण थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ अब खुश ना? ये लो, कमिश्नर साहब आ गए। आइए आइए कमिश्नर साहब। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि आप फोन पे नहीं कर सके? कुंद्रा साहब, लक्ष्मी गायब है। अरे क्या, मानो उसे जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है। जब हमने उसके ऑफिस में छापा मारा तो हमारी टीम को पता लगा कि उसका किडनैप हुआ है। क्या किडनैप? हे माता रानी, आपकी लीला अपरंपार है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लक्ष्मी को किसने किडनैप किया हुआ और क्यों? अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरे बेटे की जान के पीछे कौन हाथ धोकर पड़ा है? कमिश्नर साहब, ये लक्ष्मी ही वो कड़ी है जो कि इस कांड का पर्दाफाश कर सकती है, वही हमें वैभवी और कांता तक पहुंचा सकती। प्लीज कुछ करिए। आई नो कुंद्रा साहब, हमने लक्ष्मी, वैभवी और कांता के खिलाफ रेड अलर्ट जारी कर दिया है, वो हमसे ज्यादा दिन छुप नहीं सकते। थैंक यू कमिश्नर साहब। लक्ष्मी का किडनैप हो गया है, वैभवी और कांता भी गायब है, ये मामला तो और उलझता जा रहा है। इस घर का ही कोई सदस्य इस सब में मिला हुआ, कैसे पता लगाऊं? कहा था ना मैंने तुझसे, इस सब के पीछे वो कांता और वैभव ही है। उन्होंने विनायक को अगवा किया था और उसे मारने की भी कोशिश की थी, और अब उस लक्ष्मी को गायब कर दिया। पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, और ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सबकी। माँ आप परेशान क्यों हो रही है, इसमें आपकी क्या गलती? आपके ऊपर तो बस अपने बेटे की जान बचाने की धुन सवार थी। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब के पीछे वैभवी और कांता जी हैं? हाँ बेटा हाँ, मान ली मेरी बात। खैर छोड़ वो सब, अब तू मेरे विनायक की पत्नी है, अर्धांगिनी है उसकी, इसलिए मैं ना तुझे कुछ देना चाहती हूँ। क्या माँ? तेरा नया नाम, मेरे बेटे का नाम रिद्धि विनायक कुंद्रा। माँ ये तो मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर है। हाँ बड़े अरमान थे मेरे, एक ही तो बेटा है, उसकी शादी धूमधाम से करूंगी, लेकिन विधि का विधान तो देखो, शादी हो भी गई लेकिन मैं तुझे तेरा हक तक नहीं दिला पाई। इतना बेबस और लाचार मैंने आपको कभी नहीं पाया है। काश मैं मंजरी मौसी को ये बता पाती कि उनका वीनू पगफेरे की रस्म पूरी करके आ चुका है। मैं तुझे अपनी बहू के रूप में देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन इन पेपर्स पे साइन करवा के मैं अपनी बहू का दर्जा तुझे देना चाहती हूँ। लेकिन माँ मैं सबके सामने इस पर साइन कैसे ले पाऊंगी? घर में किसी को भी पता नहीं है शादी के बारे में, और क्या पता इस सब में अगर विंसर को शादी के बारे में कुछ पता चल गया तो? क्या आपको लगता है माँ हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है हम विंसर को कोई भी स्ट्रेस या शॉक नहीं दे सकते इस वक्त, और उनकी शादी मुझसे हो गई है, ये बात उनके लिए बहुत बड़ी शॉक होगी। देख बेटा, एक ना एक दिन तो विनायक को ये बात पता चल ही जाएगी, और अगर उस वक्त उसने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया तो? तुझे अपनी पत्नी का दर्जा देने से मना कर दिया तो? इस रिश्ते को एक फ्रॉड या झूठा रिश्ता करार कर दिया तो? क्या करेंगे हम? हाँ मैं इस रिश्ते को एक लीगल स्टेटस देना चाहती हूँ। ये मैरिज सर्टिफिकेट तेरे पास रहेगा ना, तो दुनिया और कानून की नजरों में तो विनायक की पत्नी रहेगी। बस एक बार विनायक इन पेपर्स पे साइन कर दे, सब ठीक हो जाएगा। कोई तो रास्ता होगा ना? और फिर मेरे विनायक से जुड़े हर सवाल का जवाब तू ही तो है। मंजरी, मंजरी कहाँ है तू? शंकर बुला रहा है, मैं अभी आई।
इसका मतलब मुझे वीनू से इन पेपर्स पे धोखे से साइन करवाने होंगे, लेकिन कैसे? बेबी मैं पहना दूं? क्यों? आज इतना मस्का क्यों मारा जा रहा है? मस्का? अब क्यों? ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मेरे बेबी ने मुझे अभी भी नहीं बताया कि रिद्धि की वजह से प्राची को क्यों डांटा। वैसे तुम जा कहां रही हो? भला आंटी के बेटे हरदीप के संगीत में। बेबी मगर वहां तो हम दोनों जाने वाले थे ना? हाँ जाने वाले थे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्यों बेबी? अब मैं वहां अपनी पतली कमरिया लचकाऊंगी और तुम वहां अपना ये ढोल लेकर घूमोगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बेबी तुम अकेली चाहोगी? तुम मेरी चिंता मत करना, मैं अपने आप आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। ये मैडम यहाँ क्या कर रही है? वो मैं नॉक करने ही वाली थी। तो वो मुझे मनबीर सर से मिलना था। हाँ रिद्धि, वो विन की फिल्म के लिए प्रमोशनल स्ट्रेटजी डिस्कस करनी थी, है ना? हाँ मनबीर सर। हाँ ठीक है, चलो फिर। ये मैडम इतनी सीधी भी नहीं है, मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मुझे अपना काम खत्म करना होगा। बैठी रहो वरना बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम और मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखा हुआ है? कुछ बिगाड़ ना दो इसलिए यहाँ लाकर बंद किया है। कौन हो तुम? बस थोड़ी देर में हमारी मैडम आ रही हैं, जो कुछ पूछना है ना उनसे पूछ लेना, समझे? नहीं तुम्हारी मैडम। चुप! ऐसे मुझे बांध के क्यों? चुप! मनवीर भैया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप ही बता दीजिए कि इन पेपर्स पे मैं साइन कैसे लूं। अगर विंसर ने गलती से भी ये पेपर्स देख लिए ना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये उनके और मेरे शादी के पेपर्स हैं, और उसके बाद आप और मैं बखूबी जानते हैं कि क्या होगा। मैं समझ सकता हूँ रिद्धि, तुम दोनों की शादी की भनक अगर विन को लग गई ना तो उसकी हेल्थ और खराब हो सकती है। भैया प्लीज आप ही बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे सिग्नेचर लूँ उनके इन पेपर्स पे। काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हमको विन की नई फिल्म के प्रमोशन के लिए इसके साइन लेने ही पड़ेंगे। डू वन थिंग, ये पेपर्स और प्रमोशन प्लान के पेपर्स मिक्स कर दो, उसके साइन भी ले लो, उसे पता भी नहीं चलेगा। भैया आप और मैं विन सर को अच्छे से जानते हैं, वो कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन नहीं करने वाले। पर चाची जी का कहना है कि तुम दोनों की शादी लीगली रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और वो भी सही है अपनी जगह। कैसे करें कि विन बिना देखे पेपर पे साइन भी कर दे? तो देखेगा नहीं तो साइन कैसे करेगा, और आंखें बंद करके साइन तो करेगा नहीं। वाह भैया ब्रिलियंट आइडिया दिया आपने मुझे, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है? मैंने आइडिया दिया और मुझे ही नहीं पता। और सर डॉक्टर शर्मा का फोन आया था तो उन्होंने मुझे आपकी हेड इंजरी के पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मिस सिन्हा? ये रिपोर्ट आप कैसे बना के देंगे? ना तो आप डॉक्टर हैं और ना आपको ये सब करना आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए उन्होंने मुझे आपका एक सिंपल सा टेस्ट करने के लिए कहा है। टेस्ट? जी। और वो भी आप करेंगे? जी। ये ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सब ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। ऐसा तो नहीं कि वो जैसे बचपन में वो लुका छिपी खेलते थे, वो बचकाना सा खेल? हाँ मैं आपके आंखों पर ये पट्टी बांधूंगी और फिर इन पेपर्स पे आपको साइन करने का कहूंगी बिना देखे। इससे आपके जो दिमाग की मसल्स हैं उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। चलिए सर हम टेस्ट शुरू करते हैं। मैं नहीं करूंगा। सर आप मुझे जो भी करने के लिए कहते हैं वो मैं करती हूँ,
मैंने आपको एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए कहा और आपने मना कर दिया। नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो मैं सबको जाके बता दूंगी कि आपने मुझे झूठ कहने के लिए कहा। हम हॉस्पिटल नहीं गए थे बल्कि पुरंदरे चौल गए थे। मिसना, एक सेकंड, क्या मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल सही। आपको नहीं लगता मिसना आपके तेवर बदलते जा रहे हैं? आइए हम बातें ना बाद में करते हैं, आप बैठ जाइए यहाँ पर, हम ना टेस्ट करते हैं। आइए बैठिए। एक मिनट, पहले मुझे वो पेपर दिखाइए जिसमें मुझे साइन करने हैं। पर क्यों? क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, क्या पता आप सारी जायदाद अपने नाम करवा ले फिर। जल्दी कीजिए नहीं तो मैं साइन नहीं करूंगा। अगर विनू ने ये मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले पेपर देख लिए तो पता नहीं क्या होगा।